कलर्स टीवी के शो बेकाबू में हुआ आज बड़ा धमाका जब रानफ ने बताया अपना राक्षस होने का सच बेला को। बेला को हुई अपने शक्तियों का एहसास कि वो असलियत में एक परी है और वो देवलेखा है। उसके साथ ही आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला जो अवंतिका है उसकी जान बसाई रानफ ने। उसके साथ ही मलिका और रानफ की होने वाली है सगाई। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट शो और कलर्स टीवी के न्यूली लॉन्च शो बेकाबू के आज के धमाकेदार एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिला। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में तो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेकाबू के आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत में हमको देखने को मिलती है जो बेला बोलती है मलिका को कि तुम रानफ से शादी मत करो क्योंकि रानफ कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो एक राक्षस है। उसके बाद हमें देखने को मिला बेला बोलती है कि उसने मेरी जो दोस्त है अवंतिका को भी रानफ ने ही मारा है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो अवंतिका है वो भी पहुंच जाती है पार्टी में और सब उसको देखकर शौक में आ जाती है और अवंतिका जाकर रानफ को थैंक यू बोलती है और उसको भैया भी बोलती है। उसके बाद अवंतिका बोलती है सबको कि रानफ मलिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और मलिका भी सबको बोल देती है कि मैं तो रानफ से ही प्यार करती हूँ क्योंकि रानफ के पास बहुत सारे दौलत है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो बेला है वो पहुँच जाती है रानफ के पास और रानफ सबको सच बता देता है कि असलियत में वो एक राक्षस है और वो ही प्रथम है। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिला जो रानफ है वो सब कुछ भुला देती है बेला को, लेकिन बेला तो एक परी है, वो कुछ भी नहीं भूलती है और सब कुछ उसे याद रह जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो बेला है वो घर पहुंच जाती है और वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है कि राक्षस असलियत में क्या होती है। उसके बाद उसे पता चला कि राक्षस जहन्नुम में रहती है और उसके पास बहुत सारे शक्तियाँ होती है और राक्षस का जो पावर है वो सबसे ज़्यादा काम होती है परी के पास और राक्षस कभी भी परी की यादें नहीं मिटा सकती है। उसके बाद जो बेला है उसको थोड़ी सी भनक लग जाती है कि वो एक परी तो नहीं है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो अवंतिका है उसको मारने के लिए यामिनी के जो तीन बेटे हैं वहाँ पर पहुँच जाती है, यानी आदि और उसके भाई पहुँच जाती है। लेकिन अवंतिका फ़ोन कर देती है रानफ को और रानफ वहाँ पर पहुँच जाती है और अवंतिका की जान बसा लेती है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो बेला है जब वो देखती है रानफ को राक्षस बनते हुए उसकी सारी बातें उसे याद आने लगती है कि असलियत में वो एक देवलेखा है और वो परी है और प्रथम ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था, उसके लिए प्रथम को उसने मार दिया था, उसके साथ ही वो परी से एक इंसान बन गई थी। उसके बाद हमें यह भी दिखाया गया अगर देवलेखा यानी बेला अगर मार देगी राक्षस रानफ यानी प्रथम को तो वो फिर से परीलोक जा पाएंगी। तो आज के धमाकेदार एपिसोड ने काफ़ी सारे नए नए रास्ते खुलासा हुआ। उसके साथ ही यामिनी को पता चली कि रानफ को सारी शक्तियाँ मिल चुकी है। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है आने वाले एपिसोड में बेकाबू की। उसके साथ ही आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा रास्ता खुलने वाला है क्योंकि यामिनी को लग रही है कि मलिका एक परी है। अगर राक्षस परी की खून पी लेती है तो बहुत सारे शक्तियाँ मिल जाती है राक्षस को। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है बेकाबू का। क्या देखा आपने बेकाबू का आज का धमाकेदार एपिसोड और कैसा लगा कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।